हमें इतनी लुक्स मिल रही है ना हर किसी से, लोग कह रहे हैं वाओ व्हाट अ कपल। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो बड़ा शुगर लग रहा है बॉयज एंड गर्ल्स। कॉस्प्ले कॉम्पिटिशन आई थिंक इधर होगा, जब कॉम्पिटिशन होगा ना उसमें क्या कहते हैं कुकू को भी साथ उठा के ले जाएगा ना। वो देखो सारे परियां बन के आए हुए, ओए होए, वो देखो क्या क्या बन के आए हुए सारे। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है, दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर ब्लॉग। मैं और फिजा और कुकू है, हम जरा कॉस्ट्यूम में रेडी हुए हैं। आप लोग कह रहे होंगे क्यों, और आपको मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि एक आज एनएमए फेस्टिवल हो रहा था इधर ही डैलस एरिया में ना, वहाँ पे हमने सोचा हम जाते हैं जरा शिरकत करते हैं जाके वहाँ पे ना। तो भाई आपका उस बंदे में बना हुआ है जिसको मैं पहले भी बड़ा इमिटेट करता हूँ, मैं आपको जरा बाहर निकल के दिखाता हूँ। और फिजा अटैक ऑन टाइटन के एक कैरेक्टर बने हुए, और हमने कुकू को भी कुछ बनाया हुआ भी दिखाते हैं। एक सेकंड इसको ना बाहर भी काल के फिर बात करते हैं बाकी आपसे। वो देखो डीमन स्लेयर वाले फिजा बनी हुए मिकासा। फिजा को अपने बड़ा देख देख के ढूंढा था लड़कियों का ना, वो इतना मिलता नहीं है ठीक है। ओए होए 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 सोजी फ्रॉम जुजुत्सु काइज़न। ये वैसे मेरा रोज जिम का आउटफिट होता है। तो मेरे को कोई ऐसा पहनते कि पता ही ना चले। और अभी आपको ना आइजन दिखाएंगे, आइजन ना अभी जरा अभी गर्मी में है। ये देखो आइजन का आउटफिट, ओए लिंगोकू बन गए ये तो डीमन स्लेयर वाला। ओए चलो आ जाओ बेचारा गर्मी में अभी तड़प रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स अभी आपको ना इवेंट पे लेके जाते हैं, बहुत लोग वहाँ पे आए हुए हैं। ये जो लास्ट ईयर वाला हम गए थे ना, ये उससे मुख्तलिफ है, डिफरेंट है थोड़ा सा, देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। अव्वल तो लोग बहुत ज्यादा आए हुए और इतनी ट्रैफिक हुई है, आपकी लोगों की सोच है। एक तो गर्मी नहीं मनहूस खत्म हो रही, मैं जब क्लोथिंग हमने लॉन्च किया था लोग कह रहे थे सर्दियां आ रही है सर्दियों के लॉन्च करो, आई नहीं रही। रोज 100 डिग्रीज होता है यहाँ पे भाई, बहुत गर्मी है टेक्सास के अंदर। गर्ल्स अभी से हमें कॉम्प्लीमेंट मिलना शुरू हो गए हैं। मेरे से बंदा पूछा था आप टोजी या गोजो, मैं कहा टोजी बनाऊं, फिर वो फिजा को भी कहते हैं मिकासा इतनी अच्छी, मैंने कहा लेकिन अभी तक इन्होंने हमारा बेस्ट कैरेक्टर नहीं देखा नीचे जो लेटा हुआ। कॉस्ट्यूम की पूरी दुकान है, दुकान बनाई हुई है सारे ना एनएमए की कॉस्ट्यूम की, तो जो नहीं लाए हुए वो यहाँ से खरीद सकते हैं। फिजा तुम्हारा कॉस्ट्यूम पूरा अगर करना है ना तुमने, ये हुड ले लो अटैक ऑन टाइटन वाला। वो देखो जैकेट भी है फिजा, यही पहनी है ना तुमने, इसका थोड़ा मटेरियल डिफरेंट है वैसे, तुम्हारी वाली ज्यादा आपस की बात है ज्यादा अच्छी है, क्लीन है, बहुत ज्यादा क्लीनली लग रही। ओ नाइस, इसका देखो आउटफिट सामने भी बनी हुई थी, अच्छा है उसका। ओ देखो जरा छड़ी लेके घूम रहे, डर था कि कोई आउटफिट पहन के नहीं आया, मुझे हो रहा था, मैंने दूर से देखा, मैंने कहा कोई यार कुछ बन के नहीं आया हुआ यहाँ पे। ओ देखो वो क्या है ये, वो जो गैरेडॉस का छोटा वाला होता है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बोल देंगे रश देखो कितना है। ओफ, हमें इतनी लुक्स मिल रही है ना हर किसी से, वो कह रहे हैं वाओ व्हाट अ कपल। वो देखो सारी डीमन स्लेयर फैमिली तांजीर होगी, लगा सारा कुछ बाहर है लेकिन सारा कुछ अभी अंदर है, तो वो चेक करो जरा, मोर इनसाइड कॉस्प्ले, वॉइस एक्टर्स भी अंदर, इधर सही माहौल सजा हुआ भाई, बाहर तो गर्मी है कोई आया भी नहीं है देखो। हाँ ओए होए होए, ओ सोमो सोमो फाइट चल रही है बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे कोई सोमो फाइट चल रही है। वो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो बड़ा शुगर लग रहा है बॉयज एंड गर्ल्स। मैंने कहा मैं सोचा था मैं भी सोमो कर लूँ गेंडों का साइज देखा नहीं इतने बड़े बड़े, ये तो मुझे पकड़ के खा जाएंगे टूथपिक की तरह। कुकू तू कर ले जाके, हचला गेंडों की लड़ाई होने वाली, एक सेकंड आ जा। I was thinking too, but then I realized this is real life, not anime. Yeah. आ जाओ आगे चलते हैं, ये तो गेंडे लड़ ही जाएंगे आपस में। एक बंदा वहाँ पे खड़ा कह रहा था मैं सोचा था मैं चला जाऊँ, लेकिन उनका 400 पाउंड वेट है क्या। ओ चेक करो वो कूल है वैसे, मर्च अच्छा मर्च पड़ा हुआ, जैकेट्स वगैरह अच्छी पड़ी हुई। ओ बर्ज़र्क वाली सोर्ड, टोजी की भी शायद सोच पड़ी हो, मुझे चाहिए ले लेता हूँ। ओ एक मिनट चेक करूँ ये वेपन वगैरह जो पड़े हैं, वो एक्चुअली हैवी है, वो जंगल तो जेन्युइन हैवी है, क्रेटोस के ऊपर है ब्लेड ऑफ चेन ऑफ ओलंपस, ये टेंगन का भी हैवी वाला है, ये ना ये देखो मेटल है। टोजी का वेपन भी होगा इनके पास, पूछो उनसे। ये इसके बारे में, इसकी मेरी की चेन भी थी। Do you have Toji weapon? The inverted spear of heaven? Yeah, yeah. Oh, right there. हाँ, spear of heaven, जिसकी मैंने शर्ट भी बनवाई है। ये देखो ये मेरा वेपन है बॉयज एंड गर्ल्स, ये वाला वेपन ना मेरा उसको कंप्लीट करता है, जो आउटफिट है ना लग तो काफी फिट रहा है ये लगा के, लेकिन मैं कहाँ फिरूंगा, मेरे हाथ में कैमरा है, एक हाथ में कुकू है मेरे, हमने कॉस्ट्यूम पहने और ये ड्रॉइंग्स वगैरह भी हैं हर जगह पे, एज यू कैन सी। ये दुकानों वाले होते हैं ना अपने यहाँ पे ले आते हैं सारा सामान, सब कुछ यहाँ यहाँ पे महंगा महंगा बेचते हैं, और ज्वेलरी भी है। हाँ ये कैसी अच्छी लग रही, अच्छी ज्वेलरी है बॉयज एंड गर्ल्स, जैसे ये ले लो इल्यूमिनाटी वाली। अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसने हर चीज़ की जिद करनी है, फिर इसकी आंखों पे पट्टी बांध के लाया करेंगे, इस तरह मैं भी जिद करता था।
सोल्ड हो गए। ओ ये किसी ने आर्ट बनाई हुई है। शिट मैं अपनी आर्ट वर्क ले आता। देखो लिखा हुआ है ओरिजिनल सोल्ड प्रिंट्स अवेलेबल। ये सारे अपना आर्ट वर्क बेच रहे हैं यहाँ पे एज यू कैन सी। बॉयज एंड गर्ल्स मैंने इतने प्यारे प्यारे आर्ट वर्क बनाए हुए थे, ये तो बेच तो मैं भी सकता था। यहाँ पे आर्ट वर्क बिक रहा था $250 का और काफी लोगों ने खरीद भी लिया था। मैंने उससे अच्छा आर्ट वर्क बनाया था, मैं बेच देता यहाँ पे आगे। इतना भाई ने क्लासिकल वो नहीं जो मैं लास्ट ईयर लगाता था आर्ट वर्क दिखाता था। खैर कोई नहीं, अब अगली दफा ना मैं उसको बेचने के लिए ले आऊंगा। कॉस्टप्ले कॉम्पिटिशन आई थिंक इधर होगा। जब कॉम्पिटिशन होगा ना उसमें क्या कहते हैं कुकू को भी साथ उठा के ले जाएगा ना। क्या पता 1 करोड़ रुपए है ना, वो कुछ तो देंगे कॉम्पिटिशन के अंदर। एक वो प्याला पकड़ा देंगे, करेक्टर दे टॉफी दे देंगे, ये लो ले जाओ। लेटर बॉयज एंड गर्ल्स समस्या ये है कि कुकू अंदर थोड़ा रोने लग गया था तो हम इसको बाहर हवा लाने लाए हैं अभी। यू नो शोर बहुत था अंदर, लेकिन जहाँ से गुजर रहे लोग इसकी बड़ी तारीफें कर रहे हैं। वो देखो जरा छोटा रिंग अभी ना असल में बड़े होते ना बच्चे गोदी में भी मांगते थोड़ा सा ना कि हमें बैठाओ गोदी में। फिजा कह रही मैंने वो पैनकेक्स खाने सूफले वाले तुके लगा दिए इसने सारी इधर। यार लाइन बहुत लंबी है, बहुत लंबी लाइन है। सारी तुके लगा के हंस रहे हैं, सारी तुके लगा के हंस रहे हैं न्यूटी बॉय। हम लोग लाइन में खड़े हो गए। अब पिज्जा खुद ही शुरू हो जाती है। हुआ साल लगा इसको ट्रेन करने में मुझे ब्लॉगिंग की दुनिया में है कुकू। लेकिन अभी हम लाइन में खड़े हुए हैं कुकू को लेके। अब हमने सूफले पैनकेक्स ट्राई कर दे। ये कह रही है कि वो पैनकेक्स है ना, दिखाया नहीं है। हाँ उधर जाओ, इसको जूम इन करो यहाँ से। ऐसे तो ये पैनकेक्स नहीं होते जैपनीज वाले, ये उसने ट्राई करना है फिजा ने। आते आते गिरा ही ना तो इतना जिगल हो रहा है। देखो आई वांट टू टेक अ पिक्चर दो। पिक्चर लेनी है? ले लो पहले। मुझे नहीं लाना पिक्चर में, ऐसे ही होता है बस। मैं भी क्यूट ही लगता पीछे। आओ पहले तुम ट्राई कर लो तुम्हारा, क्योंकि ये खराब हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ पहले तुम ट्राई कर लो। टीम वर्क। ओए होए 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 होए, ये पेपर ना खा लेना ध्यान से, इतना फ्लफी फ्लफी है यार। ये तो हलवा है बिल्कुल। खाया ही नहीं है मैं तो, का पता नहीं खाऊंगा तो मेरा पेट ही फट देगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा, इतना लाइट सा लेकिन बड़ा मजे के, बड़ा टेस्टी है। इसमें थोड़ा अंडा भी मिक्स किया उन्होंने ना। एक बार तो ना अच्छी तरह फ्लफ किया होता है इसलिए वो ये। अच्छा बहुत मजे का बॉयज एंड गर्ल्स, ये तो 9 out of 10 है। बड़ी मजे की चीज है, तो 4-5 खाने वाली चीज है। बॉयज एंड गर्ल्स अभी ना कंपटीशन में मेंटर हो गए ड्रेस वाले ने, तो फिजा को टेंशन हो रही है कि सारे इतने अच्छे अच्छे बने हमारी बेइज्जती हो जाएगी, सिर्फ आप लोग एंटर हो जाओ। वो देखो सारे परियां बन के आए हैं। ओए होए होए, वो देखो क्या क्या बन के आए हैं सारे। फिजा हम ओरिजिनल लग रहे हैं पागल। उन्होंने इतने कार्टून सर पे पहने हुए, तो मैं देखती हूँ बचा ली तुम मिकासा हो भाई। ऑडियंस स्कोर रिकग्नाइज करेंगे ना, हम एज अ फैमिली ऊपर जाएंगे जीत जाएंगे। शुगर है कोई नहीं, एंजॉय कर रहे हैं। हम ऑन स्टेज पेटर नहीं मिला सकते से। कोई नहीं, अगर हम हार भी गए शुगली है, क्या क्या मैं व्लॉग के लिए करता हूँ, वरना मेरे अंदर बड़ी शर्म होती थी पहले। कंपटीशन शुरू होने वाला है, वो पहले हम कह रहे थे तुम लोग आ जाओ, फिर उन्होंने कहा ये जो कुकू है दूध पी रहा है। वो देखो हमारा रिंग कुकू रेडी हो रहा है अभी दूध पी के ना। सारी वो वीडियो सही नहीं बनी, हमने किसी को पकड़ाया था, वो नॉर्मल सी बनाई है, कोई आगे आ गया था, लेकिन इतना भीड़ सा था मैं तो जाके फ्लेक्स कर रहा हूँ स्टेज पे। मैंने कहा मैं और क्या एक्टिंग करूँ उसकी, कुकू तूने हमें जिताना है। लेट है एंड बॉयज एंड गर्ल्स हम वो कंपटीशन हार गए। मैं आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि कुकू जो था ना वो काफी रोने लग गया था, तो उस वक्त टेंशन में मैं आगे कर नहीं पाया। फिर वक्त निकल गया तो मैंने कहा आपको घर आके बता दूं कि वो कंपटीशन रह गया। शिट मैं पता नहीं कौन वो पॉसम बना हुआ था, एक बंदा ना पूरा एक वो जानवर बना हुआ था, वो मिक्की माउस वाले नहीं होते, उस टाइम कॉस्ट्यूम में ना उसको जिता दिया। वो बेसिकली उसको इसलिए जिता है कि वो कैरेक्टर के अंदर बहुत था ना। खैर बट हम तो वैसे शुगर लगाए थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड इट वाज प्रीटी फन, यू नो, चलो एक एंटरटेनमेंट ही हो गई। नाउ बिफोर आई एंड दिस व्लॉग बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और मुझे आप लोगों की कुछ थोड़ी सी हेल्प चाहिए एक डिसीजन में। बेसिकली सबसे पहले तो मैं अपनी क्लोदिंग की बात करने लगा ऑनलाइन की, विच इज इंपॉर्टेंट। तो बहुत से लोगों ने जिन्होंने ऑर्डर किया था ना, इनके ईमेल्स आ रहे थे कि कब ऑर्डर आएंगे, हमने हफ्ते से ऑर्डर किया हुआ है। तो सीन ये क्या है, मेरी पहली प्रोडक्शन थी इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा ऑर्डर्स में, लेकिन ऑर्डर्स रेडी हो गए हैं और वेयर हाउस पे वो पहुंच रहे हैं। तो वेयर हाउस में वो ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, तो फिर उसके बाद वो शिप हो जाएंगे। अब मसला क्या हो रहा है, वेयर हाउस में उनको 2 दिन पहले पहुंचना था, लेकिन अब पाकिस्तान में पता नहीं कोई इस्लामाबाद में कोई बड़ी मीटिंग चल रही है, कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, वो जो PGC का जो सीन हुआ था, तो बहुत मसले हो रहे हैं उसकी वजह से। डेवो सर्विसेज, ये DHL सर्विसेज, पाकिस्तान में हमारे इशू ही नहीं खत्म होते। तो मैंने तो अपनी तरफ से वेयर हाउस पे सामान पहुंचा दिया था, अब मसला उधर की शिपिंग का हो रहा है, तो अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। लेकिन आप लोगों को इंशाल्लाह
इस हफ्ते के एंड में या फिर नेक्स्ट वीक से किस स्टार्ट से आपको ऑर्डर्स पहुंचेंगे, एक ही साथ सारे ऑर्डर्स डिस्पैच हो जाएंगे। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पांस। अगर आप अब जाके वेबसाइट पे देखो तो शर्ट्स ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गए। अगर मैं पाकिस्तान वाली पे जाता हूं तो आप जैसे चेक कर सकते हो कि ये वाली तो सोल्ड आउट हो गई है, विंग्स ऑफ फ्रीडम वाली, जो किंग ऑफ हिल वाली भी है वो भी स्मॉल में 3 रह गए, इसके एक्स्ट्रा स्मॉल में अनअवेलेबल हो गए, मीडियम में 6 रह गए, लार्ज में भी आपके 1 रह गए। तो मतलब हर जगह से खत्म हो रही है ऑलमोस्ट शर्ट्स ना, और इन शर्ट्स को मैं दोबारा रीस्टॉक नहीं कर रहा। बहुत से लोग कहते हैं अब रीस्टॉक क्यों नहीं कर रहे विंग्स वाली को, ये वो, क्योंकि मैं नए आइटम्स के साथ आ रहा हूँ। तो अब मैं जो नई बनाना चाह रहा हूँ वो 4 ओवरसाइज शर्ट्स हैं, लेकिन उनका मटेरियल है वो बहुत थिक होगा, वो सर्दियों टाइप के लिए। और मैं 2 हुडीज के डिजाइन पे आ रहा हूँ, वो दोनों एनएमए हुडीज हैं, सिंपल है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन वो भी जो स्टॉक है वो बहुत लिमिटेड में ड्रॉप कर रहा हूँ, 1 टाइम अभी ड्रॉप कर रहा हूँ। हुडीज जो मैं पाकिस्तान में सिर्फ लॉन्च कर रहा हूँ, ओनली 60 हुडीज होंगी, आगे एम्ब्रॉयडर्ड लोगो होगा मेरा। हुडीज कुछ इस तरह की होंगी, जैसे आप ये देख रहे हो ना, ड्रॉप शोल्डर है काफी ज्यादा और नीचे जाके सैग हो रही है, बहुत हिप और कूल डिजाइन लगता है, और आगे ज़िनमार्टो का जो लोगो होगा एम्ब्रॉयडर्ड होगा। नाउ दिस हुडी इज गोना बी एसिड वॉश होगी एज यू कैन सी, और जीएसएम होगा 460। दिस इज हाईली प्रीमियम मटेरियल, और इसके पीसेस मैं बहुत लिमिटेड कर रहा हूँ, एज यू कैन सी आप आगे देख ही सकते हैं। एक ये कलर होगा और एक ये ब्लैक वाला कलर होगा जो चारकोल में होगा, वो कुछ इस तरह की दिखेगी एज यू कैन सी। बड़ी सेक्सी हुडीज होंगी ये, लेकिन ये हुडीज थोड़ी महंगी भी होंगी। अब ये मुझे कोई ना कहे कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी है, भाई इन हुडी का प्रीमियम मटेरियल एसिड वॉश का आप कहीं पे भी जाके अंदाजा लगा लो, रेट लगा लो, बहुत महंगा होता है। ये ऐसी चीज है आप एक दफा लोगे आपके 20 साल चलेगी, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ। जितना मोटा ये मटेरियल है ना, आप चेक कर रहे हो, ऑलमोस्ट इतना ही मोटा मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद शर्ट्स का जो डिजाइन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन जो शर्ट्स है ना ओवरसाइज, वो सिर्फ मैं सोच रहा हूँ भी अमेरिका के अंदर लॉन्च करूँ, क्योंकि ओवरसाइज शर्ट्स का मसला है ना, आप लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं कि विंटर मौसम आ रहा है तो मूसा भाई हम विंटर वाली चीज नहीं पहन सकते। मैं आपको एक दफा डिजाइन शेयर कर देता हूँ कि मैं किस तरह का चाह रहा हूँ ना, पाकिस्तान में सोच रहा हूँ ना लॉन्च करूँ, बट आप मुझे इसमें आपकी हेल्प और सजेशन चाहिए। लेकिन ये बहुत ही सेक्सी शर्ट्स हैं, आपकी सोच है, और इनको सारों को मैंने लिटरली हैंड ड्रॉ किया और हैंड कलर किया है, तो मुझे बहुत टाइम लगा था एक शर्ट को, तो मैं 3 दिन लगे डिजाइन करने में, वो मैं दिखाता हूँ। पहली शर्ट ये आप चेक कर सकते हो, ये गोजो वाली होगी, गोजो फ्रॉम जुजुत्सु काइज़न। तो ये पीछे से कुछ ऐसा देखेगा एज यू कैन सी ऑनर्ड वन। उसके बाद मेरी येलो वाली पेन की नारुतो से, ये काफी कूल कैरेक्टर है, काफी पॉपुलर है, तो ये पीछे से कुछ इस तरह की दिखेगी। उसके बाद मैं लॉन्च करूँ ये वाली, सबकी फेवरेट होगी मुझे पता, ब्लैक वाली, आगे मेरा लोगो है और पीछे चेक करो, आए हाय 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 क्या शर्ट है। एंड फाइनली ड्रैगन बॉल जी के फैन मेरे पीछे पड़ गए, ड्रैगन बॉल जी की निकालो, तो ड्रैगन बॉल जी में मेरा फेवरेट ये कैरेक्टर डिजाइन वेजीटो का था, ये चेक करो जरा, ये मैंने डिजाइन और इसको शेड किया था, आगे से कुछ इस तरह दिखेगा, और पीछे से ये चेक करो, ये सारा मैंने डिजाइन और शेड किया था, तो पीछे से कुछ इस तरह की दिखेगी। फिटिंग होगी ना वो कुछ इस तरह की होगी, ड्रॉप शोल्डर इस तरह की होगी, लेकिन लेंथ है ना वो लंबी होगी, लेंथ हम इतनी नहीं करेंगे, 2 इंच नीचे करेंगे, तो इस तरह की कुछ लगेंगी, एंड देयर विल बी रियली गुड। नाउ आई वांट योर सजेशन, ये मैं पाकिस्तान में लॉन्च करूं कि ना करूं, मुझे थोड़ा सा इसमें आइडिया चाहिए, वरना ये यूएसए में सीधी लॉन्च होंगी, क्योंकि मैं डिमांड के हिसाब से चीज को लॉन्च करता हूं ना। तो हुडीज तो मैं पाकिस्तान में लॉन्च कर ही रहा हूं, लेकिन मैं इनका भी सजेशन आप लोगों से चाहता था। बट एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, पिछले शर्ट्स देर ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक, तो अभी भी आप zenmato.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं बिफोर इट्स टू लेट। इनको मैं दोबारा भी रीस्टॉक नहीं करा जब तक थोड़ा गर्मियों का मौसम नहीं आता ना, मे बी सेम डिजाइन में ना हो, ये आ गया भी 1 टाइम ड्रॉप है, तो आपने चौकन्ना रहना इस चीज के लिए, ठीक है। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना। इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में बहुत सून मिलूंगा, मे बी कल या परसों अपलोड कर दूं, हू नोस।